नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस संगठन के अधिकारी कर्मचारी खूब बरसे भारतीय जनता पार्टी पर सुनाई खरी खोटी। आज दिनांक 16 अगस्त 2021 को विधानसभा गुनौर के मंडल मसलेहा में मध्य प्रदेश कांग्रेस वर्कर्स कमेटी में अध्यक्ष पद के नवनियुक्त युवा सौरभ गौतम को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने एवं सौरभ गौतम अपने संगठन का विस्तार करते हुए कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, जिसके नियुक्ति पत्र वितरण तथा बीजेपी सरकार की रीति नीति को देखते हुए आम गरीब मजदूर किसान भाइयों के दुख दर्द एवं डीजल पेट्रोल रसोई गैस की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात रखने व महंगाई कम करने को लेकर विरोध प्रदर्शन रैली निकालकर किया, जिसमें सलेहा खरीदी केंद्र गल्ला मंडी प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया, जहां जिले एवं ब्लॉक मंडल में सेक्टर के बूथ स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण एकत्रित हुए और वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने वक्तव्यों के माध्यम से आम पब्लिक को भारतीय जनता पार्टी सरकार की करनी कथनी के बारे में विस्तार पूर्वक बखान किया और नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। बाद इसके मंडी प्रांगण से श्री चौमुख सरकार की पावन नगरी के लिए रैली ने प्रस्थान किया, जहां भोलेनाथ के दरबार में जाकर सभी कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने माथा टेकते हुए कांग्रेस पार्टी की भलाई तथा मजबूत करने देवों के देव महादेव से आशीर्वाद मांगा, जहां पन्ना मानगंज पवई गुनौर देवेंद्र नगर सलेहा सहित वरिष्ठ व कनिष्ठ वर्तमान व पूर्व समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रहे शामिल। गुनौर पन्ना से आरपी वर्मन की रिपोर्ट। सफल न हो लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2018 में जनता ने हमारे कांग्रेस के विश्वास को जीता और 114 सीटें थी, लेकिन ये भाजपा की चोरी करने वाली सरकार, इसने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके भाजपा की सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार को गिराया। लेकिन हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं, आप लोग चिंता मत करिए, रख हौसला, वो मंजर हो आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर हो आएगा। टक्कर में बैठो मेरे साथियों, 2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और उसका मजा भी आएगा। आज आप देख रहे हैं 2014 के पहले ये चीख चीख के नारे लगाए, खतरे में है न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न गीता खतरे में है, न कुरान खतरे में है, धर्म का चश्मा उतारो मेरे यारो, देखो मेरा हिंदुस्तान खतरे में है, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। आप चिंता मत करिए। सौरभ गौतम को मैं छोटे भाई को कहना चाहता हूँ, तुम अपना संघर्ष जारी रखो। कांग्रेस के संघर्ष को प्रणाम किया और आपके पास को कांग्रेस का एक ये मोदी की तानाशाही, साय की हिटलरशाही इस देश में चलने वाली नहीं है। वो समय नहीं, समय बहुत कम है और समय वो ज्यादा दिन दूर नहीं है। हम सब मिलके इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इनका सब एक एक पाई का हिसाब देंगे। इन्होंने पूरे भारत में अराजकता फैलाई, अर्थव्यवस्था को चौपट किया, बेरोजगार का बाजार लगाया, गरीबी का अंबार लगाया। इन्होंने पूरे भारत को अराजकता के माहौल में एक अंबार, एक पहाड़ बना के अब भूरे में पटक दिया है। ये याद रख, कौन हमारी माता है, कौन हमारी बेटी है, कौन हमारी पुत्री है, कौन भतीजी है, इनको पशुओं में तो रिश्ता है, इनमें कोई रिश्ता नहीं है, पशु से भी बेहद है। यहाँ भी कुछ देर पहले यहाँ संसार कर देने वो दलाल है, इन्होंने 11 बार माफी मांगी थी, 9 बार तो इन्होंने लिखित में माफी मांगी थी। इसी गोरखे के पुजारी है, ये सावरकर के पुजारी है, इन्होंने तो 60 रुपये में दलाली करके, 60 रुपये में दलाली करके अंग्रेजों की मुखबरी करके वो हमारे भारतीयों को जो आजाद कराने में जिन्होंने अपने सिर काम करवाए हैं उनको जान मरवाने की कोशिश करी थी। तो ये आतंकवादी मध्य प्रदेश में जो जनादेश जनता ने दिया था उसको चोरी करके जो भारतीय जनता पार्टी में पलटने का प्रभाव, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर आती है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने अपने घरों से बाहर निकलकर जो जनता की समस्याएं हैं, जहां जैसे कि आप सभी को याद होगा कि 2014 के समय जब 71 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था, तब हर जगह अपने आसपास प्रत्येक गांव में शहरों में किस प्रकार का माहौल था और किस प्रकार का हाहाकार भारतीय जनता पार्टी ने मचा दिया था। कि उस समय पर बहुत ही प्रचलित भाजपा का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार। तो जब 71 रुपया लीटर में महंगाई इतना मार रही थी, तो अब जब 110 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है तो पानी पी पी के मार रहे।
लेकिन